मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि मेरे को दो टाइप की फीलिंग्स हो रही है अभी। एक एक्साइटमेंट भी हो रहा है कि फाइनली मतलब 3-4 महीने के बाद मैं अभी ये घर जो है वो छोड़कर अभी मैं जो सोच रहा था वो चीज़ पे काम करने जा रहा हूँ। लेकिन साथ साथ में एक नर्वसनेस भी है कि अभी मतलब लाइक किस तरीके से होगा, कैसे होगा, दैट आई डोंट नो। क्योंकि अभी अभी जस्ट लॉकडाउन जो है वो अभी कुछ कुछ सिटीज़ के अंदर अभी अपलिफ्ट हो रहा है, तो नाउ लेट्स सी कि भाई किस तरीके से वो पूरा जो जो सोची हुई चीज़ है वो होती है। अभी तो हमने सब सामान पैक कर दिया है और सुबह का जो टाइम हुआ है वो है 8:20 और ब्राइट मॉर्निंग है, बहुत ही अच्छा टाइम है। और अभी हम जस्ट आई थिंक 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम निकलने वाले हैं। अभी सब सामान जो है वो रेडी हो चुका है और तपन हमें छोड़ने आ रहा है, तो लेट्स जस्ट गो। अभी हम बैठ चुके हैं और अभी आपको मैं सरप्राइज़ जो है वो शेयर करता हूँ कि अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद। सो पुणे टू अहमदाबाद की जो जर्नी है वो हमारी होने वाली है। व्लॉग जो है वो अच्छी तरीके से देखिए। एक्चुअली मैं क्या है कि लास्ट टाइम प्लानिंग किया और फ्लाइट टिकट्स तो आपको पता ही है लास्ट टाइम पे, तो हमने सोचा कि लेट्स लुक फॉर अ ट्रेन और ट्रेन के अंदर आराम से मुसाफरी जो है वो हम करते हैं। तो MLS सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, MLS ADI का, जो चेन्नई से निकलता है और अहमदाबाद तक जाता है। सो वी विल बी गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेन। ये जो ट्रेन है वो है 09053 और ये है A1 कोच और 2 टीयर का कोच है और अभी आई थिंक अभी बोर्ड करने ही वाली है, तो बस बोर्ड करने की तैयारी है। अभी 11 और 12 हुए, मतलब कि 11:15 है और हमारी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है पुणे से और बस ये पुणे सिटी को अभी हम छोड़ रहे हैं थोड़े टाइम के लिए और बस अहमदाबाद की तरफ हम पहुंचेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं लोनावाला और टाइम क्या हुआ ना, टाइम हुआ है 11:55, मतलब कि 12 बज चुके हैं और हम पहुंचे हैं लोनावाला।
थोड़ा 12 बजे है और अभी लोनावला आया है और अभी थोड़ा आराम करने की कोशिश चल रही है। और वैसे अभी एकदम अच्छी तरीके से हमें कंपार्टमेंट मिल गया, पूरे कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं है और बहुत ही मज़ा जो है वो आ रहा है। और गर्मी थोड़ी है लेकिन एसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी बढ़ाने का भी बोल दिया है, आपको पता ही है मेरे को एसी कितना चाहिए होता है। तो ये है जो है वो वहाँ पे सेट हो गई है, यहाँ पर पूरे कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं है और मैं यहाँ पे सेट हो गया हूँ। नमो गुड नाइट। कल्याण आया तब उठा और सुरजीत को पिक भी भेजा उसके ससुराल का। और फिर अभी वड़ा पाव खाने की तीव्र इच्छा हुई है तो मैं देखता हूँ अगर वड़ा पाव मिलता है तो फिर वड़ा पाव का पूरा एक्सपीरियंस लिया जाएगा, लेकिन दिख नहीं रहा है स्टेशन पर लगा वड़ा पाव वाला दिख आएगा। मेरे वड़ा पाव वाले आएंगे। खुराफाती की स्टोरी आप सुनो। खुराफाती ऐसा किया कि मैंने जो मतलब जब कल्याण आया तो मैंने जोमेटो में से ऑर्डर किया मैकडी में कुछ मंगवा दिया और मैंने सोचा वैसे ही कि एग्जिट टाइम पे आ जाएगा, मतलब वो टाइमिंग तो सब ठीक रहा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं करते ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा वो डिलीवरी एजेंट ने बोला कि वसई रोड पे अलाउ नहीं करते, तो उसकी वजह से फिर क्या कि अपना प्लान चौपट हुआ और अभी रिफंड के लिए डाला है खाएगा तो भी, पर क्या कि खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हुई थी तो खुराफाती जो कौन हेल्दी खाना है तो अनहेल्दी खाना खाना है पर क्या कि बड़ा पाव का देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं, मैं जाके देख के आता हूँ। अभी 6 बजे है शाम के और मस्त शाम होने वाली है और हम पालेज पहुँचे हैं जो बड़ौदा से अराउंड 20 किलोमीटर्स दूर है। सो जल्दी से जल्दी अभी बस अहमदाबाद आ जाए। अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस ट्रेन के बारे में बता देता हूँ, इस ट्रेन में टोटल जो क्लास है उसमें सेकंड क्लास स्लीपर क्लास जो है वो है, थर्ड ईयर सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर भी है। ये स्पेशल ट्रेन है जो चालू की गई है, वो वैसे तो ये जो ट्रेन है वो आपने नाम सुना होगा, जब मैंने केवड़िया की जर्नी की थी तब हमने ये जो ट्रेन है उसके बारे में बात किया था जो चेन्नई से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आती है, और यही स्पेशल ट्रेन को अभी अहमदाबाद तक चलाया जा रहा है चेन्नई से अरकुरम और फिर वहाँ से पुणे से बोईसर एंड बोईसर से अहमदाबाद, बीच में सूरत बड़ौदा ये सब लोकेशंस पे वापी ये सब लोकेशंस पे 2-2 मिनट तक खड़ी रहती है, लेकिन जो मेजर लोकेशन है यही है। तो अभी मैं सनसेट के जो दर्शन है वो करवाने जा रहा हूँ और व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट जो है वो हो रहा है। हमने बड़ौदा से आगे निकलना शुरू कर दिया, अभी आनंद आएगा और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा सा सनसेट जो है वो हमें दिख रहा है।
फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, हमारे अहमदाबाद पे पहुंच चुके हैं और बस अभी बहुत थक गए गाइस और अभी जल्दी से गाड़ी पकड़ते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं, जो भी मिलेगा वो पकड़ेंगे और जाएंगे।